सेशन 61 BSCIT 31 गाइडेड डू इट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन एक्सेल टेम्पलेट गो टू शीट नंबर 3 रेप आउट द टेक्स्ट ऑफ रो नंबर 3 यूजिंग होम टैब अलाइन ग्रुप स्टार्ट। सबसे पहले सीट नंबर 3 पर जाना है, आप यहाँ से सीट नंबर 3 1 2 और 3 कंपनी हॉलीडे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद रो नंबर 3 पर जाना है, ये देख सकते हैं ये रो नंबर 3 है। यहाँ जाने के बाद होम टैब पर जाना है, उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में रेप टेस्ट, यहाँ देख सकते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में रेप टेस्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट रो नंबर 7 एंड इंसर्ट 1 रो बिलो होम टैब। सबसे पहले आपको रो नंबर 7 जो दिया हुआ है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर जाना है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट सीट रो पर क्लिक करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं हुआ है, इसे बाद में बनाते हैं, आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चेक स्पेलिंग एरर इन द डिस्प्ले वर्कशीट यूजिंग रिव्यू टैब स्टार्ट। सबसे पहले आपको रिव्यू टैब पर जाना, आप यहां देख सकते हैं रिव्यू टैब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां पर स्पेलिंग लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है स्पेलिंग, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यस कर देना है, उसके बाद इग्नोर टू ऑल और ओके कर दें और क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन द डिस्प्ले वर्कशीट सेलेक्ट सेल A2 से लेकर K2 तक चेंज फॉन्ट सेंचुरी ग्रोथी यूजिंग होम टैब एंड फॉन्ट ग्रुप एंड आल्सो चेंज फॉन्ट साइज 10। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है A2 से लेकर K2 तक सेलेक्ट कर लेना है, A2 से लेकर K2 तक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद होम टैब पर जाना है और फॉन्ट स्टाइल ग्रुप, यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल ग्रुप है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है या आप टाइप भी कर सकते हैं सेंचुरी ग्रोथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंचुरी ग्रोथी, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फॉन्ट साइज पर जाना है और फॉन्ट साइज आपको 10, फॉन्ट साइज 10 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन 4 भी सबमिट नहीं लिया है, नेक्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट सेल नंबर A1 एंड कस्टमर सर्विस कॉल लोगो अनरेप इट्स यूजिंग होम टैब अलाइन ग्रुप एंड आल्सो अनमार्ज।
सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सेल नंबर वन, यहाँ एक सेल वन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद होम टैब पर जाना है, उसके बाद यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में आपको अनमर्ज कर देना है, मर्ज एंड सेंटर को अनमर्ज कर देना है, उसके बाद सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट सेल B2, कॉपी फॉर्मेट एंड अप्लाई फॉर्मेट टू सेल A3 यूजिंग होम टैब। तो सबसे पहले B2 को कॉपी कर लेना है और A3 पर इसे फॉर्मेट कर देना है। यहाँ देखिए A2 लिखा हुआ है, इस पर सेलेक्ट कर लेना या क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद और होम टैब में यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी लिखा हुआ है। कॉपी करने के बाद फिर से आपको आपको A3, यहाँ A3 जो है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर, इस पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन द गिवन टेम्पलेट सेलेक्ट द टेबल एंड अप्लाई टॉप एंड थिक बटन बॉर्डर टू इट यूजिंग होम टैब एंड फ्रंट ग्रुप एंड ऑल बॉर्डर। सबसे पहले जो दिया हुआ है सबको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पर जाना है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं बॉर्डर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद टॉप एंड थिक बॉर्डर लिखा हुआ है, टॉप एंड थिक बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन द गिवन एक्सेल टेम्पलेट सेलेक्ट टेबल एंड क्लीन ऑल द डाटा एडिटिंग ग्रुप, क्लीन ऑल ऑप्शन। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है सबको सेलेक्ट कर लेना है। इस पॉइंट पर भी आकर के टोटल को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद टोटल सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद होम टैब पर जाना है। होम टैब पर जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एडिटिंग ग्रुप में, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर ऑल, फिर से इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चेक स्पेलिंग इज अ डिस्प्ले डॉक्यूमेंट यूजिंग रिव्यू टैब। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। सबसे पहले रिव्यू टैब पर जाना है। रिव्यू टैब पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ स्पेलिंग, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये इग्नोर ऑल पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यस पर क्लिक कर देना है, ओके, और लास्ट में क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट चेंज पेज ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप मोड यूजिंग पेज लेआउट। सबसे पहले पेज लेआउट पर जाना है। आप देख सकते हैं पेज लेआउट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओरिएंटेशन, यहाँ लिखा हुआ है ओरिएंटेशन, इस पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद लैंडस्केप, यहाँ दिया हुआ है नीचे में लैंडस्केप, फिर से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो गया है और फिर से क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सेलेक्ट रो नंबर 7 एंड इंसर्ट वन रो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। फिर से सेलेक्ट करना है रो नंबर 7 को, फिर से होम टैब पर जाना है और यहाँ इंसर्ट पर जाना है।
और नेक्स्ट बनाते हैं सिमुलेशन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो है सबमिट नहीं ले रहा है, इसे 2 बार 3 बार ट्राई करें, अगर नहीं लेता है तो सबमिट कर दें और क्वेश्चन को, और नेक्स्ट सिमुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि एक्सेल प्रोवाइड 2 टाइप्स पेज ओरिएंटेशन है लैंडस्केप। तो सबसे पहले आपको पेज लेआउट पर जाना है, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है पेज लेआउट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओरिएंटेशन यहाँ दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे में लैंडस्केप दिया हुआ है, इस पर फिर से क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव कर दें। क्वेश्चन वन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर टू का इट इज़ वेरी इजी टू चेंज फॉन्ट इंटायर वर्कशीट सिंगल क्लिक एंड फॉन्ट वर्कशीट पेज लेआउट। सबसे पहले पेज लेआउट पर जाना है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है पेज लेआउट, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फॉन्ट यहाँ देखिए दिया लिखा हुआ है फॉन्ट, इस पॉइंट पर क्लिक कर देना है। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में आप देख सकते हैं नीचे से दूसरा कैनरा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि यूजिंग बैकग्राउंड यू कैन एड ब्यूटीफुल बैकग्राउंड टू एन एक्सेल सीट, चूज द इमेज एंड रोज ऑफ द बैकग्राउंड कलर एंड एक्सेल सीट। तो सबसे पहले पेज लेआउट पर जाना है, आप यहाँ एक देख सकते हैं पेज लेआउट टैब लिखा हुआ है। उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इमेज फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद इमेज गैलरी खुल जाएगा, जिसमें से आपको रोज इमेज यहाँ आप देख सकते हैं रोज इमेज है, इस पर क्लिक कर देना है। नहीं दूसरा ये नहीं ले रहा है, ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है पेज साइज को लेना है A4। तो सबसे पहले पेज लेआउट पर जाना है और यहाँ आप साइज दे सकते हैं, यहाँ साइज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद A4 पेज साइज, इस पर फिर से क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया है।